हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट इन सीन। तो आज की इस वीडियो में हम फिगर करने वाले हैं और फिगर को हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। और ये जो फिगर है ये बेसिकली PFA कॉम्पोजिशन के लिए होने वाली है। सो सबसे पहले हम फेस के लिए इस तरीके से सर्कल बनाएंगे और उसको तीन में से डिवाइड कर देंगे। फेस के लिए मैंने चैनल पर एक वीडियो अलग से डाल रखी है, आप वो भी देख सकते हो। BFA की कॉम्पोजिशन के लिए डाल रखी है वो, और लाइव वीडियो, रियल टाइम वीडियो है, तो उसको देखने में काफ़ी कुछ सीखने में मिलेगा आपको। सो फेस के लिए इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। और लिप्स के लिए बस एक दो लाइन लगा देनी है, ऐसे देख सकते हो। आइज़ के लिए भी बस ऐसे ही मैं लाइन सी लगा रहा हूँ। नोज़ के लिए ट्रायंगल जैसा हम कुछ बना देंगे और फिर हमारा फेस बन जाएगा। क्योंकि छोटा सा फेस है, ज़्यादा डिटेलिंग हम दे नहीं सकते, ठीक है। हल्के हल्के शेप्स को हमें लेके चलना है बस। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं इसको अच्छे से। अब यहाँ पे फेस का शेप बना लेते हैं, बाहरी शेप, ठीक है। और सर पे हम बाल उगा देते हैं इसके, सर पे इसके खेती उगा देते हैं। तो ये जो अंकल है ना, बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, तो इसको थोड़ा गुस्से वाले फेस में बनाना है। अब यहाँ पे कॉलर वगैरह बना के टी शर्ट के लिए ऐसे बना दिया, बॉक्स जैसी शेप लेके चल रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। मैं थोड़ा ओवरऑल ड्राइंग कर रहा हूँ, आप बेसिक शेप से शुरुआत कर सकते हो। पहले खाली एक बॉक्स बनाया, ठीक है। हाथों के लिए मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप दो सिलेंडर को जोड़ के हाथ बना सकते हो, या दो बॉक्स बना के उसको जोड़ के हाथ बना सकते हो। अब ये फिंगर्स बना देंगे हम यहाँ पे इस तरीके से, और ये हमने फिंगर्स भी बना दिए यहाँ पे इस तरीके से। तो एक तरीके से हमारी अब ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। हल्की फुल्की इसमें थोड़ी बहुत डिटेलिंग देनी है कॉलर वगैरह की, वो आप इस तरीके से दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिटेलिंग दे देंगे कॉलर वगैरह में इस तरीके से, थोड़े हल्के फुल्के हेयर्स वगैरह बना देंगे, थोड़ा बहुत फेस में कर देंगे हल्की फुल्की डिटेलिंग। तो इस तरीके से हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। अब फेस के लिए हम क्या करेंगे, ब्राउन कलर मिक्स करेंगे, ब्रंसीना में थोड़ा सा येलो मिलाएंगे और थोड़ा सा रेड कलर मिलाएंगे। तो ठीक है, थोड़ा सा रेड मिलाया मैंने, हल्का सा ऑरेंज भी मिला सकते हो और येलो भी मिला सकते हो उसमें। तो इस तरीके से हमें मिक्स करके ये टोन बना लेनी है, ब्रंसीना यानी कि ब्राउन कलर जो होता है उससे मिला के। अब इसमें हम कलर करेंगे यहाँ पे फेस के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें कलर लगाएंगे और ये इसको कलर को ऐसे फैला देंगे पूरे फेस में। कुछ कुछ जगहों पे हम खाली वाइट हाईलाइट को छोड़ के चलेंगे। अब ये कलर मैं ऐसे उठा रहा हूँ ब्रश से, तो इस तरीके से आपको उठा लेना है यहाँ पे हाईलाइट दिखे। अब हाथ पे भी थोड़ा सा लगा देते हैं इस तरीके से और इस तरीके से। वाटर कलर में आपको कलर को ज़्यादा घिसना नहीं होता एक ही जगह पे। बिगनर्स क्या गलती करते हैं, कलर को घिसते हैं बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे, तो वो पेपर उखड़ जाता है वहाँ पे, रोई निकल आते हैं पेपर के। और वहाँ पे तो कार्ट्रिज देंगे, तो कार्ट्रिज और भी बेकार पेपर होता है, अच्छा पेपर तो है नहीं कोई। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा डार्क कलर मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। डार्क कलर से मतलब है पानी की क्वांटिटी कम है और कलर की क्वांटिटी ज़्यादा है। सेकेंड टोन जो हम कर रहे हैं, फर्स्ट टोन में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं हम ताकि कलर हल्का हो जाए। इस टोन में कलर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, इससे क्या होगा कलर थोड़ा सा डार्क दिखेगा। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जहाँ डार्क पोर्शंस है वहाँ पर हम कलर को कर रहे हैं फेस पे इस तरीके से, ठीक है। जहाँ पे थोड़ा थोड़ा डार्क है वहीं पे करना है और हाइलाइट्स को छोड़ देना है इस तरीके से। इस तरीके से हम कलर लगा देंगे इसमें। और गाइस, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की और भी कॉम्पोजिशन से रिलेटेड मैं वीडियोस डालता रहूँगा, जिससे BFA के एग्ज़ाम में आपको अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा सा कलर को उठा रहा हूँ, या कलर को एक तरीके से फैला रहा हूँ उसको, ठीक है, हल्का सा पानी लगा के ब्रश में। ब्रश में मोक ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी ये ब्रश यूज़ कर सकते हो, अच्छी क्वालिटी के ब्रश होते हैं और काफ़ी अच्छे से पानी को ये संभालते हैं ये ब्रश। अब यहाँ पे टी शर्ट में थोड़ा सा रेड में क्रिमसन कलर मिला के और पानी ज़्यादा मिला के उसको कर रहा हूँ मैं। जहाँ पे वाइट्स हाईलाइट हैं वहाँ पे थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ बस, और इस तरीके से उसको फैला रहा हूँ। तो हम यहाँ पे नीचे कलर कर लेंगे ये इस तरीके से, हम इसमें ब्लू कलर लगा लेते हैं।
और यहाँ पे भी लगा देते हैं हेयर्स में। अब हम इस तरीके से बैकग्राउंड को कर देंगे। बैकग्राउंड को बहुत हल्का किया है मैंने, बैकग्राउंड को आपको ज़्यादा नहीं तेज नहीं करना। अब यहाँ पे मैं थोड़ा दूसरे टाइप का ब्रश ले रहा हूँ ऐसे ही जस्ट ट्राई करने के लिए। आपको यहाँ पे छोटा ब्रश लेना है, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा वाला ब्रश ले रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ पर हम थोड़ा बहुत डार्कनेस ऐड कर रहे हैं क्रिम्सन कलर को मिला के। इसमें क्रिम्सन में हल्का सा रेड भी मिलाया मैंने और यहाँ पे तो थोड़ी डार्कनेस है जहाँ पे, वहाँ पे ऐड कर देते हैं इसको, ठीक है। डार्कनेस वैसे भी फोल्ड वगैरह में दिख रही होगी तो फोल्ड्स में भी लगा देते हैं इसको। तो हम यहाँ पे अब हम थोड़ी डार्कनेस ऐड कर देते हैं साथ साथ में। छोटे ब्रश से मैं लाइन यहाँ पे बना रहा हूँ जो इसकी टी शर्ट की लाइन है। इन लाइन्स को बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो कर्व्स है ना पेट वगैरह के, उसको थोड़ा कर्व रखना है बीच में, वो स्ट्रेट नहीं बनानी क्योंकि जहाँ पे तोन निकली हुई है आदमी की उसको थोड़ा सा मोड़ देना है लाइन को, क्योंकि कपड़े का अगर देखो थोड़ा मुड़ जाता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको रखनी है और किसी के कपड़े वगैरह भी वहाँ पे आप देख सकते हो अगर कोई बैठा हुआ है तो वहाँ पे। तो अब यहाँ पे नीचे इसके धोती में कर देते हैं जहाँ पे डार्कनेस है, थोड़ा सा डार्क कलर लगा देते हैं वहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। अब थोड़ा सा हम फेस पे कर देते हैं डार्कनेस और हेयर्स वगैरह में कर लेते हैं। अब ये थोड़ी मूछों में कर लेते हैं, ठीक है। अब आइस वगैरह बना लेते हैं यहाँ पे हल्की हल्की, ये हमने आइस बना ली हल्के से इसके छाती के बाद अनिल कपूर की तरह बिल्कुल। अब यहाँ पे थोड़ा डार्क ब्राउन मिला के फेस में जो डार्कनेस है ना, जहाँ जहाँ पे डार्कनेस दिख रही है वहीं पे आपको लगाना है इसको कलर को। ज़्यादा नहीं लगाना, ज़्यादा लगाओगे तो ख़राब हो जाएगा, थोड़ा सा ही लगाना है। इससे क्या होगा, इसमें डेप्थ आ जाएगी और ये थोड़ा और उभर के निकल के दिखेगा। अब बी एफ एग्ज़ाम में आपको इतनी टोन्स करने का तो टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस तरीके से आपको फिगर्स वगैरह में काम करना होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कर देते हैं, हाथ पे डार्कनेस निकाल देते हैं, एक तरह से आउटलाइन की तरह हम यूज़ कर रहे हैं पर आउटलाइन है नहीं, ठीक है, और अप्लाइड वाले आउटलाइन कर सकते हैं बस वो पेन से, पेन या इंक से, ठीक है, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और कलर मिक्स कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी धोती में डार्कनेस ऐड कर देते हैं। बेसिकली जहाँ पे फोल्ड्स आ रहे हैं ना कपड़े के वहीं पे हम कलर को लगा देते हैं इस तरीके से। तो आई होप कि ये जो फिगर होगी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और भी वीडियोस मैं आगे भी डालता रहूँगा इस चैनल पे, तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैंने गिव अवे भी किया है, आप उस गिव अवे को भी देख सकते हो, ठीक है। सो अब यहाँ पे थोड़ा सा कलर लगा देते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ उसकी शर्ट में डार्कनेस ऐड कर देता हूँ, ठीक है, क्रिम्सन कलर भी मिलाया इसमें थोड़ा सा। जहाँ जहाँ पे ना हल्का हल्का सा लगाना है, बस 1-2% ही लगाना है, थर्ड टोन फोर्थ टोन आपको 1-2% ही देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो फिगर में। आई होप कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फिगर वगैरह बनाने में। और भी वीडियोज़ मैं इस चैनल पर डालूंगा, और भी वीडियोज़ आएंगी, ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे वीडियो आ रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि कोई भी अपडेट हो आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग, और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितने भी लोग बीएफए कर रहे हैं सबके साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को।